Hi everyone, welcome to Basic and Advanced SAS. So today we are doing how to create the SAS 7 bat file. Okay, so let's suppose you have a text file like this. I have this text file. I am looking for the sub SAS file. Okay, so SAS file format is SAS7BD80. Okay, so I want to create that format. Okay, so how to create that format we will see in this example. Let's suppose this is the format. I'm downloading this SAS7 bat file. Okay, now you can see how the file is look like. This is the SAS7 BD80 file. Okay, if you double click, they will be open with the your the SAS. Okay, so this is the particular SAS file. So how to open the how to create this SAS file with this text file. Okay, so we will see if you have any data you can create this SAS7 bat. तो आज हम करने वाले हाउ टू क्रिएट दी SAS7 बैट फाइल. SAS7 बैट फाइल कौन सी होती है? एक SAS की फाइल होती है. ठीक है, उससे कैसे रीड करते हैं डेटा को, कैसे क्रिएट करते हैं ये डेटा विद दी टेक्स्ट फाइल, वी विल सी इन टूडे सेशन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इम्पोर्ट दैट डेटा. हमें ये डेटा को इस SAS में लेकर आना पड़ेगा. अभी मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल में है. ओके, so how to import this data. So we are using first data statement. Okay, I'm using one data statement here first. Okay, data. So मैं एक employee का data बना रहा हूँ. So employee data. Okay, this is my employee data. Then first of all I need to write here in file statement for import the data. Okay, in file. Okay, then मेरी file करना. Let's suppose this is my file C. Okay. Then I'm selecting the properties. Okay, then this is my file path. Okay, so this is the file path. Now see here, this is the address. Okay, of my text file. Okay, then I'm also using the miss over. If कोई data मेरा अगर missing है, so they will be identified. Okay, then we are using फर्स्ट ऑफ ऑल माई डेटा इज नाउ. इफ आई एम रन दिस कोड, मेरा डेटा जो है एक हमारे आउटपुट आ जाएगा. बट इसके लिए हमें हमारे पास हेडर्स नहीं है मेरे डेटा के अंदर. देखिए यहाँ पे हेडर्स नहीं है, सो मुझे हेडर्स क्रिएट करने हैं. सो विद द हेल्प ऑफ द इनपुट स्टेटमेंट आई एम क्रिएटिंग माई हेडर्स. ओके, फर्स्ट वी हैव द आईडी. ओके, देन वी हैव द नेम. Okay, then we have the salary. This is my salary. Okay, 1000. This is the salary. This is my salary. Salary 1, and this is my salary 2. Okay, so name is the character name. Okay, then my salary 1. Okay, कैसा format है ये? Comma separated format है. Comma 1, comma 1000, 30 है. ओके, कॉमा सेपरेटर्स के यूज हो रहे हैं यहाँ पे. सो आई एम पुटिंग दी कॉमा हेयर. ओके, कॉमा फॉर्मेट सैलरी 1 कॉलन कॉमा 10 पॉइंट. ओके, नेक्स्ट सैलरी 2. ओके, देन माय दिस इज माय कॉमा 10 फॉर्मेट. ओके, देन हमारे पास क्या है, एक डेट दी हुई है. ओके, सो डेट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे डेट. ओके, कैसे लेनी है हमें डेट? डी डी एम एम और वाई वाई के फॉर्मेट में 2005 है. वाई वाई देन 10. ओके ओके, सो दिस इज माय इनपुट स्टेटमेंट. सो अभी मेरा जो डेटा है उसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमें क्रिएट करना होगा. ठीक है, पहले उसे स्टैंडर्ड में करना होगा. तो स्टैंडर्ड में कैसे करेंगे, फिर उसे कैसे यूज होंगे? सो वी हैव टू यूज द इनफॉर्मेट स्टेटमेंट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर यूजिंग द इनफॉर्मेट स्टेटमेंट. ओके, अभी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख रहा है. फॉर द नॉन स्टैंडर्ड वी आर यूजिंग द इनफॉर्मेट. ओके, सो आईडी क्या है मेरी, वन फर्स्ट तक है. ठीक है, देन वी हैव दी नेम्स. नेम्स कहाँ तक है हमारे, 1, 2, 4, 5, 9 तक है. ओके, 9 डॉट. देन वी हैव दी सैलरी 1.
comma 10, then we have salary 2, comma 10, then we have date dd mm yy 10. ओके सो ये हमारा पेपर हो गया फॉर द नॉन स्टैंडर्ड. तो आप स्टैंडर्ड में लेकर आना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड किस किस को करना है. लेट सपोज मैं सैलरी से करना चाहता हूँ, देन फॉर्मेट. ओके सैलरी हम कर रहे हैं, सैलरी मैंने किस में कर दी, सैलरी 1 इन दी कॉमा 10, सैलरी 2 मैंने इसमें कर दी हमारा कॉमा 10. ओके नेक्स्ट इज हमारी डेट, हमें डेट फॉर्मेट में कर रहा हूं मैं इसके अंदर डी डी एम एम. ओके सो नाउ हमने एक अनस्टैंडर्ड फॉर्मेट में करा उसे, फिर देन हमें उसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कर दिया विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मेट स्टेटमेंट. ओके नाउ माय इनपुट स्टेटमेंट इज डन, आल्सो माय डेटा इज इन राइट नाउ इन द फाइल विद द हेडर्स. हेडर्स के लिए हमने इनपुट स्टेटमेंट यूज करा, उससे मेरे हेडर्स आ गए. ठीक है नाउ वी आर रनिंग दिस कोड. ओके इफ यू रन दिस कोड नाउ सी हियर माय डेटा इज इन द आउटपुट. ओके सो सम वैल्यूज आर द मिसिंग. ओके कुछ वैल्यूज मिसिंग भी है इसके अंदर. ठीक है क्योंकि हमारे डेटा के अंदर भी कुछ वैल्यूज मिसिंग थी. लेट सपोज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई जगह पे डेट्स हैं और कई जगह पे डेट्स नहीं है. सो दैट्स अ रीजन दे शोइंग द मिसिंग वैल्यू फॉर द डेट, बिकॉज डेट मिसिंग है वहां पे कई जगह पे. ठीक है सो हमारे पास डेटा अब आ चुका है. अब इस डेटा को मैं अपने सैस 7 बैड फाइल बनाना चाहता हूँ. मैं टेक्स्ट फाइल से एक सैस का जो फॉर्मेट डेटा फॉर्मेट होता है उसके अंदर से कन्वर्ट करना चाहता हूँ. ओके सो वी आर यूजिंग द स्टेटमेंट हियर डेटा फॉर्मेट फॉर सैस डेटा. ओके सो वी आर यूजिंग लिब स्टेटमेंट हियर लिब नेम. ओके लिब नेम किस लिए, फॉर लाइब्रेरी. ओके हम एक डेटा आउटपुट लेंगे, कहाँ पे लेंगे हम अपने यहाँ पे सैस 7 जो मेरा ये, क्योंकि मेरा सैस जो डेटा है वो है सैस स्टूडियो में यूज कर रहा हूँ. तो मैंने लिब आउट का स्टेटमेंट यहाँ पे लिया है, फोल्डर माई फोल्डर सैस यूजर v94. ओके सैस स्टूडियो में ऐसे ही आता है. देन आपका सैस इजी है तो उसके अंदर आप कोई पाथ दे सकते हो, कोई भी पाथ में आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने सैस डेटा आउटपुट का. ओके लिब स्टेटमेंट के बाद हमें यहाँ पे करना है डेटा को आउट. ओके अब मैंने कहा डेटा आउट, आउट क्या है मेरी लाइब्रेरी का नाम. ओके दिस इज माई लाइब्रेरी डॉट. अब मैं उस जो लाइब्रेरी है जो मैंने आउट के नाम से बनाई है उसके अंदर एक डेटा को इनपुट करना चाहता हूँ, मैं उसको इनहेरिट करना चाहता हूँ, मैं इसको आउट के अंदर पुट करना चाहता हूँ. कौन से डेटा को, इम अंडरस्कोर डेटा. ओके जो मेरा डेटा का आउटपुट आएगा वो किस नाम से आएगा, इम अंडरस्कोर डेटा के नाम से. ओके या मैं यहाँ पे इम डेटा 1 कर देता हूँ क्योंकि डेटा के नाम से पहले से ही है. डिटेल्स मैं यहाँ पे कहता हूँ इम डिटेल्स. ओके नाउ लास्ट इन सेट स्टेटमेंट, हमें सिर्फ एक सेट की स्टेटमेंट लगानी होगी क्योंकि कॉपी करना है इसके अंदर हमें आउट डेटा करना है. ओके देन रन स्टेटमेंट. नाउ इफ यू रन दिस कोड, ओके इफ आई रन दिस कोड नाउ सी हियर वन फाइल विल बी क्रिएटेड. ओके नाउ सी हियर वन फाइल इज क्रिएटेड एम्प्लॉय इम्प अंडरस्कोर डिटेल्स सैस 7 BD80 फाइल. नाउ लेट्स डाउनलोड दिस फाइल. ओके डाउनलोड करने से बिकॉज ये सैस स्टूडियो. नाउ देखिए यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय डिटेल्स सैस 7 फाइल को ओपन करा तो मेरे पास ये सैस 7 की
फाइल ओपन हो गई है, ठीक है। आप ये डेटा किसी को भी सेंड कर सकते हो, वो अपना डेटा अपने किसी भी सैस के अंदर उसे यूज कर सकता है, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ सैस डेटा, ओके। ये सैस स्टूडियो में या सैस इजी में ही ओपन होगा, और आप इसे टेक्स्ट के थ्रू या किसी के थ्रू ओपन नहीं कर सकते, ओके। सो वी आर यूजिंग दिस डेटा फाइल फॉर रीडिंग, बिकॉज हमें कई बार रीड करना होता है डेटा को, तो हम ऐसे ही रीड करते हैं, कैसे आउटपुट कैसे सैस 7 बैट फाइल बनाते हैं, वो ये एग्जांपल है, ओके। दिस इज वेरी सिंपल कोड टू क्रिएट दी सैस 7 बैट फाइल, ओके। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल शर्मा जी का ज्ञान। थैंक यू।